पीपल, दिस इज सोनित निशान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आपको हालांकि स्टार्टिंग देख के आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे हम अनबॉक्स करने वाले हैं UTL के सोलर SMU की। और ये सोलर मैनेजमेंट यूनिट आपको UTL की तरफ से आता है और ये आपको बेसिक जो आपके इन्वर्टर होते हैं उसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो क्विकली हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। हालांकि ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इसका अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को मैं आगे मर्ज करता हूँ। तो देखिए आप अनबॉक्सिंग को और फिर बात करते हैं लास्ट में। शुरू कर लेते हैं हम इसके अनबॉक्सिंग को, जो कि है एक UTL का सोलर मैनेजमेंट यूनिट। लेकिन उससे पहले हम बॉक्स के ऊपर के ओवरव्यू को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे UTL सोलर का ब्रांडिंग दिया गया है और यहाँ पे आपको बॉक्स इमेज का दिया गया है और IMP इंडिया मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड करके ऐसा इन्होंने बताया है। और 1996 से ये ब्रांड आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम अगर बात करें सबसे इसके अपर साइड की, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो UTL की तरफ से आते हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और किस तरीके से इसको यूज करना है उसका भी यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो UTL सोलर भारत का सबसे पसंदीदा सोलर इन्वर्टर ब्रांड। और यहाँ पे इसकी जो MRP है वो मेंशन की गई है और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह मेंशन किया गया है। और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और ये हरियाणा में प्रोबेबली बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इस साइड में अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ें जो ऑप्शन उस साइड में देखने को आपको मिला है वो देखने को मिल जाती है। तो इन चीज़ों में टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हो। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे सेम चीज़ें आप बनाए अपने मौजूदा इन्वर्टर को स्मार्ट सोलर PCU, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मतलब इनका एक प्रमोशनल लाइन्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम फर्दर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्विकली कर लेते हैं हम इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से और नॉर्मल पैकेजिंग देखने को मिल रहा है, कोई बहुत प्रीमियम क्वालिटी का पैकेजिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं इसको नाइफ को फिलहाल साइड रख देता हूँ, देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। ये मेरा बिल हो गया, तो ये हमारे किसी काम का है नहीं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं और बेस्ट बाय लिंक होगा वो। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो यूनिट है वो किस तरीके से निकलता है। तो ये हमारा बॉक्स से यूनिट निकलता है और ये बॉक्स है, बॉक्स में इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इसको मैं फिलहाल साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिला है इस मेन यूनिट के साथ। तो बेसिक वारंटी कार्ड जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देखने को आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको प्रोबेबली यूजर मैनुअल दिया गया है कि आपको किस तरह से इसको करना है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हम फिलहाल साइड में रख लेते हैं चूँकि हमारे किसी काम का ये है नहीं, आप चाहो तो इसे अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हो। उसके बाद आपको बॉक्स में दो DC फ्यूज और एक AC फ्यूज देखने को मिल जाता है इस SMU के साथ में। और सिलिका केस जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं वो तो उसमें आपको देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद हमारा ये मेन यूनिट जो कि निकल कर सामने आता है, तो ये जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा मेन यूनिट हो गया। अगर हम इसके बिल्ड की बात करें तो ये कम्प्लीटली मेटल का बिल्ड है और क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, मतलब बिल्ड के मामले में अगर हम बात करें। तो यहाँ पे आपको प्लग जो दिया गया है ये आपको AC इनपुट के लिए है और यहाँ से आपके इन्वर्टर से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन देने का ऑप्शन मिल जाता है और इसी से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको अगर कुछ डिस्प्ले पे है उसको चेंज करना है तो आपको सिंगल बटन दिया गया है, उसी सिंगल बटन के साथ आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक सील दिया गया, जिससे कि आप अगर इसको रिमूव करते हैं तो वारंटी जो है वो वॉइड हो जाता है। तो और उसके बाद अगर फ्रंट साइड की बात करें तो जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया है जो कि LCD डिस्प्ले है और यहाँ पे मेंशन किया गया है SMU है। और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर स्विच सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप रीड करके इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सोलर पैनल का जो रेटिंग है वो 12 वोल्ट
में आपको 36 सेल है और VOC उसका 17 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक होना चाहिए और ये 20 एम्पियर तक के आप पैनल को लगा सकते हैं इसमें 12 वोल्ट में और 24 वोल्ट में इसका जो है ये आप रीड कर सकते हैं 31 वोल्ट से 45 वोल्ट तक जा सकता है। और इसमें एक खास बात ये है कि आप इसे किसी भी बैटरी के साथ लगा सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी के साथ भी और 24 वोल्ट बैटरी के साथ भी और इसके लिए आपको कोई सेटिंग करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ों को ऑप्शन दिया गया, बैटरी टाइप को ट्यूबलर या ऐसा में कोई भी बैटरी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रेट कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों में टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। वहीं अगर बात करें इसके हम बॉटम साइड की, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है, एक में बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे में आप SPV मतलब कि सोलर पैनल जो है उसे आप यूज कर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोलैरिटी भी ऑप्शन दिया गया है, एक रेड और ब्लैक, रेड मीन्स की पॉजिटिव और ब्लैक मीन्स नेगेटिव। और यहाँ पे DC फ्यूज जो दिया गया है, DC और AC फ्यूज वो दोनों बाहर में ही देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है इस प्रोडक्ट को। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि गामा प्लस भी हो या UTL का जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें आपको जो फ्यूज सिस्टम है वो बाहर में दे देता है, तो इसके लिए आपको मैकेनिक को अगर आपका कभी प्रॉब्लम आता है तो कभी बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आप खुद से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सोलर पैनल लग जाएगा और यहाँ पे आपको बैटरी लग जाएगा। तो ये हो गई इसकी बात। अब मैं देख लेता हूँ इसके बॉटम साइड में, तो बॉटम साइड में यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, इसका मॉडल नंबर है SMU122440 और ये DC वोल्टेज जैसा मैं पहले बता चुका हूँ 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मेंशन किया गया है और ये आपको मैन्युफैक्चर्ड है फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। यहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाता है और ये आपको वॉल माउंटेबल SMU है, आप इसे अपने वॉल के साथ माउंट कर सकते हैं, तो ये आपके स्पेस को भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये बस एक अनबॉक्सिंग वीडियो था और मुझे आपको बताना था कि इसमें बॉक्स में जो आप परचेज करते हैं कभी तो क्या आपको देखने को मिलता है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसा मैं पहले बता चुका हूँ और आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। और इसका जो रिव्यू का वीडियो है या और भी सोलर रिलेटेड जो वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपको आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। चलो तो ये था क्विक अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू इस SMU का और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं और ये आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों वेरिएंट को सपोर्ट करता है, दोनों बैटरी को सपोर्ट करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये PWM बेस्ड एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इससे आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो PCU में कन्वर्ट हो जाता है, सोलर इन्वर्टर जिसको बोला जाता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर आपको और भी इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। और सोलर से रिलेटेड मैंने एक सीरीज ऑलरेडी बना रखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपको आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियोज को भी जाके देख सकते हैं। और आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इवन आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट क्लिप में, टिल देन गुड बाय।